उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार नकल विहीन परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में कराई है, लेकिन यूपी बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे एक शिक्षक का कहना है कि बनारस में 100% नकल हुई है, जिसका जीता जागता प्रमाण यह है कि सारी कॉपियां एक सी लिखी गई हैं। वहीं जब टीचर का नाम पूछा गया तो वह टालते नजर। उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हुई है, लेकिन इस बात को झूठा साबित तो उन शिक्षकों ने कर दिया जो बोर्ड की 12वीं क्लास की कॉपी का मूल्यांकन कर रहे थे। जी हाँ, हम बात उस एक शिक्षक की कर रहे हैं जिन्होंने कैमरे पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के बनारस में 100% नकल हुई है, क्योंकि जब हम छात्र छात्राओं की कॉपी चेक कर रहे थे तो सभी में लगभग एक से उत्तर थे, इसलिए नकल होना तो स्वाभाविक बात है। फिरोजाबाद से साहिल खान की यह रिपोर्ट। कॉपी जांच रहे हैं आज तो जौनपुर जौनपुर की। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि सब कॉपियां एक सी लिखी हुई आ रही हैं, तो कल की बात बता रहा हूँ, कल आई थी कॉपियां एक जैसी, आज नहीं है। वो कहाँ की थी? वो बनारस की। तो मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ नकल हुई है? बिल्कुल 100% नकल हुई है। वो उन लोगों का क्या दोष है? बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, पूरे विद्यालय में एक विद्यालय में एक क्लास में एक जैसे बच्चे नहीं हो सकते। हर क्वेश्चन का आंसर एक सही था, एक जैसा आंसर नहीं हो सकता सबका।